इस प्रकार के जो है फ्रूट हुआ करते थे, तो ऊंची ऊंची पहाड़ी पर बाबा लेके जाते थे साथ में बच्चों को। और वो करौंदा कीरी ये सब बहुत सब खा पी करके पेट भर जाता था। और मुझे याद है कि मैं तो छोटा था जब मैं मधुबन में आया था, 11 12 12 वर्ष की उम्र थी मेरी। तो कई बार मैं जानबूझ करके भी भोजन नहीं खाता था, मेरे को वही फल अच्छा लगता था। और मैं चला जाता था पहाड़ी के ऊपर दो तीन भाई मिल करके, और वो उससे ही पेट भर लेते थे। हमको वो फल बड़ा अच्छा लगता था। तो इस प्रकार से बाबा ने ऐसा सिखलाया कि किसी को कुछ भी संकल्प नहीं आया कि आज बाबा पहाड़ी पर क्यों लेके गया है। और ही बाबा के साथ मजा आता था, पिकनिक करते थे पहाड़ी के ऊपर, उन्हीं फल फ्रूट के पिकनिक करते थे। एक बार ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा फागी आ गई थी, इतना धुंध हो गया था, फॉग हो गई थी, जो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक बाबा भी मिसाल देते ना कि स्टीमर होता है तो कई बार स्टीमर को भी रास्ता नहीं पता लगता है और वो मून जाता है। अब तो खैर एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तो बाबा कहते थे उसको भी लाइट हाउस जो है वो रास्ता बतलाता है अपनी लाइट से। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो ज्ञान मार्ग है, इस विषय सागर से हम सबको पार होना है, तो इसमें भी माया की फागी जो है वो बहुत आएगी। और माया की इतनी फौगी आएगी कि वो रास्ता मुझा देगा। रास्ता तो मन का रास्ता होता है, मन में व्यर्थ संकल्प आएंगे कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, कल तो बाबा ने मुरली में कुछ कहा था, आज बाबा ने कुछ कहा है। तो इस प्रकार से कई संकल्प, व्यर्थ संकल्प रूपी फॉग आएंगे मुझाने के लिए, लेकिन जो लाइट हाउस है शिव बाबा है, वो अपनी लाइट के द्वारा बच्चों को रास्ता बतलाता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों की लाइन क्लियर होगी वो बाबा के रास्ते को कैच कर पाएंगे और बाबा की श्रीमत को भी कैच कर पाएंगे। तो मैं तो 12 वर्ष की आयु थी हमारी, तो मेरे से पहले हमारी लौकिक माता जी भी, बड़ी बहन जी, पिताजी, ये सभी समर्पित हो चुके थे बाबा के यज्ञ में। पिताजी तो खैर लौकिक घर में ही सेवा केंद्र खोल दिया था। तो बाकी तो बड़ी बहन जो है उनका नाम है विद्या बहन, वो कानपुर में सब जोन इंचार्ज है, यू उत्तर प्रदेश में। गंगे दादी के साथ रहती थी वो, तो गंगे दादी तो अव्यक्त हो गई, उनके बाद वो इंचार्ज है वहां की। और हमारे सबसे बड़े भाई मुरली डिपार्टमेंट में है मधुबन में, तो ये जो मुरली छप के सेंटरों पर जाती है भारत में, तो इनका टोटल मुरली डिपार्टमेंट को देख रेख करते हैं, छपाई, उसको डिस्पैच कराना, पोस्ट कराना, सब मतलब टोटल A to Z वही देखते हैं, मुरली जो पोस्ट में जाती है भारत में। और मैं पहले मधुबन में ही रहता था बाबा, साकार बाबा और मम्मा के साथ में। फिर जब दिल्ली का पांडव भवन 73 में खुला, तब फिर गुलजार दादी मुझे यहाँ सेवा में लेके आई। उससे पहले 10 11 साल में मधुबन में रहा हूँ लगातार बाबा और मम्मा के साथ। तो देखो हमारी लौकिक माता जी, हमें बहुत ही छोटा था तब वो समर्पित हो गई थी, नहीं तो प्रायः ऐसा बहुत कम किसी को चांस मिलता है कि बच्चे छोटे हो और माताएं समर्पित हो जाएं। ले भी उनका भी ये भाग्य था। और मुझे भी छोटेपन में ब्रह्मा बाबा ने पत्र लिखा, शिव बाबा ने कहे, बाप दादा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे पत्र लिखा। और वो पत्र तो खैर अभी नहीं है, उस समय बड़ी दीदी हुआ करती थी मनमोहिनी जी, तो उनको मैंने वो पत्र दे दिया था मधुबन में, तो उन्होंने रखा था। लेकिन ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि पत्र की कभी जरूरत पड़ेगी, और वो तो अव्यक्त हो गई है इसलिए पत्र का तो नहीं मालूम कहाँ है वो पत्र। लेकिन पत्र के एक एक शब्द मुझे याद है। तो बाबा ने मुझे पत्र जो लिखा, उस पत्र में लिखा कि नूरे रत्नो प्रत, याद प्यार बात समाचार,
कि पत्र शिव बच्चे का पाया, मन में हर्ष हुआ, खुशी हुई। बच्चा तो छोटा है, फल बाबा के पास आ सकते हैं, निश्चय बुद्धि है। इस प्रकार से बाबा ने पत्र लिखा था। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मैं तो छोटा हूँ, आपके पास कैसे पहुंचूं, अकेले तो नहीं पहुंच सकता हूँ। तो बाबा ने पत्र का जवाब दिया था कि बच्चे दिल्ली में बड़ी दीदी मनमोहनी जी रहती है, उस समय रजौरी गार्डन सेंटर दूसरा था, अभी वाला नहीं था, पहले किराए पर था, उसमें मनमोहनी दीदी जी रहती थी। तो बाबा ने लिखा कि वहाँ उनके पास पहुँच जाइए, वो मधुबन भेजने का प्रबंध कर देंगी। तो एक भाई दिल्ली आ रहा था, वो मुझे गुलजार दादी के पास पहुँचा दिया। गुलजार दादी जी ने फिर बड़ी दीदी से मिला दिया, और कोई भाई मधुबन आ रहे थे उनके साथ मुझे मधुबन बाबा के पास भेज दिया। तो इस प्रकार से देखो, बाबा ने इतना हमारे को बचपन में, छोटे से पन में इतना ध्यान रखा, नहीं तो आज छोटे बच्चे को कौन समर्पित करता है। पहले तो ट्रायल होती है, फिर पास होते हैं, फिर जाके कहीं समर्पित होते हैं, लेकिन बाबा ने धक से समर्पित कर दिया। ट्रायल क्या होती है, वो भी उस समय कोई ट्रायल शब्द ही नहीं होता था, बस बाबा जिसको बोल देते थे वो समर्पित हो जाता था। तो देखो, इस प्रकार से लाख लाख शुक्रिया, थैंक्स बाबा का, जो कि बाबा ने मुझे समर्पित किया, और मैं बाबा की सेवा में ही लग गया। तो जैसे मैं मधुबन में पहुंचा था, तो उस दिन बाबा ने कहा कि बच्चे आए हैं, बाबा बच्चों के साथ पिकनिक करेंगे। अब बच्चे कौन से थे, ज्यादा नहीं थे मधुबन में उन दिनों में, 10-12 मधुबन में रहने वाले भाई बहने थी और 3-4 भाई थे। 3-4 भाइयों में जिनको आप दादा नाम से जानते हैं, चंद्रहास दादा, विश्वतन दादा, आनंद किशोर दादा, विश्व किशोर भाई, जो बाबा के लौकिक में भतीजे भी थे और यज्ञ के मैनेजर भी थे, ये 4 भाई रहते थे। और जो आज आप मधुबन में देख रहे हैं कि 1-1.5-2 हजार भाई बहने हैं, वो कोई भी नहीं थे। तो बाबा ने पहला नंबर मेरे से ही शुरू कराया मधुबन में समर्पित का। तो मुझे ये खुशी है कि मैं पहला कुमार हूँ जो मधुबन में समर्पित हुआ। तो ये भी बाबा ने एक प्रकार का हमें भाग्य दिया। और मधुबन में जो भाई बहने रहते हैं उनको सीरियल नंबर मिलता है, क्योंकि सबके कपड़े तो सफ़ेद होते हैं, तो एक का कपड़ा दूसरे से ना मिल जाए, इसलिए वो नंबर, उनको सीरियल नंबर मिला हुआ होता है। तो मम्मा ने फिर मुझे 1 नंबर दिया, क्योंकि मैं सबसे पहले समर्पित हुआ मधुबन में। फिर मेरे बाद मेरे लौकिक बड़े भाई समर्पित हुए, उनको 2 नंबर दिया, सीरियल नंबर। ये कपड़ों पर नंबर होता है मधुबन निवासियों के कपड़ों में। तो देखो, ये भी एक भाग्य की बात है। तो मैंने देखा कि मुझे तो बचपन से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई बंधन नहीं रहा, सहज ही सब हमारे को भगवान मिल गया, बाबा मिल गए, और बाबा ने खुद ही ढूंढ लिया और अपने पास बुला लिया। और जब मैं मधुबन पहुंचा तो बाबा के साथ पिकनिक किए, बाबा तो सामने खड़े थे, और जब बाबा खड़े होकर के दृष्टि दे रहे थे, तो उस समय बाबा की दृष्टि में इतनी कशिश थी, इतनी कशिश थी कि जैसे इस स्थूल में बहुत बड़ा पावरफुल मैग्नेट हो ना, और उस मैग्नेट के आगे एक छोटी सुई रख दिया जाए तो सुई तो अपने आप चिपक जाएगी। तो ऐसे ही बाबा पावरफुल रूहानी चुंबक थे, स्पिरिचुअल मैग्नेट थे बाबा। और हम आत्माएं जो बाबा के आगे गई, बाबा की दृष्टि पड़ी, तो ऐसे बाबा के दृष्टि रूपी चुंबक ने हमको खींच लिया और हम बाबा की गोदी में चले गए। और बाद में हमें ख्याल आया तो मैं तो बाबा की गोदी में हूँ, और बाबा की गोदी भी इतनी प्यारी गोदी थी, जो लगा ही नहीं कि हम कोई हड्डी मांस वाले व्यक्ति के, हार्ड मांस वाले व्यक्ति के गोदी में गए हैं। वो तो ऐसे लग रहा था कि बाबा तो फरिश्ते हैं, और बाबा का बहुत मुलायम तन है। इस प्रकार से तो बाबा ने इतनी तपस्या की थी, इतनी तपस्या किया था,
जो कि बाबा को टच करने से भी नहीं लगता था कि ये कोई स्थूल व्यक्ति है, तो ऐसे लगता था बस ये तो फरिश्ता है। कई बार मैंने अनुभव किया कि बाबा बगीचे के पास खड़े होते थे, मैं थोड़ा दूर खड़ा होता था उस समय, तो दूर से देखा कि बाबा खड़े हैं अपनी झोपड़ी के पास, बगीचे के पास। तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई ये स्थूल व्यक्ति नहीं है। उस समय तो फरिश्ता शब्द इतना प्रचलित नहीं था, बहुत कम लोग बोलते थे फरिश्ता शब्द। तो मुझे क्या लगा कि जैसे कोई चांद की लाइट में, चांदनी लाइट में, फुल मून की लाइट में कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है ना, तो ऐसे लगा। मैंने कहा बाबा इतना सूक्ष्म क्यों लग रहे हैं, ऐसे आज न्यारे न्यारे क्यों लग रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये बात हमें समझ में आ गई कि बाबा बहुत तपस्या करते हैं और उस तपस्या से बाबा जो है फरिश्ता बन चुके हैं। तो ऐसे ही मैंने इन स्थूल आंखों से भी बाबा को फरिश्ता स्वरूप पे अनुभव किया। एक बार की बात है कि बाबा मुझे अपने साथ अपने कमरे में लेके गए, वहां पर लच्छू दादी थी। लच्छू दादी को कहा बाबा ने मेरे लिए कि इस बच्चे को बाबा के रूम की सेवा सिखाओ। तो लच्छू दादी ने कुछ कहा ऐसा शब्द, कुछ जैसे कि मैंने ऐसा समझा कि ये तो अभी छोटा है, ये ज्यादा सेवा कैसे कर पाएगा। तो बाबा ने कहा कि ये जो बच्चा है ये सेवा में ना नहीं करेगा। तो ये पहला वरदान बाबा ने मुझे दे दिया। और सचमुच ना क्या होती है वो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, जो जैसा सेवा बताता था मैं सेवा में लग जाता। कई घंटे बीत जाते थे, थकावट नहीं होती थी। तो एक बार बाबा ने कहा, एक कहानी सुनाई बाबा ने कहा कि बच्चे वो एक कहानी है ना कि एक जिन था, तो जिन को कोई भी काम मिलता था तो वो एक सेकंड में वो कार्य कर लेता था। तो एक सेठ ने उस जिन को रख लिया और बोला हमारे दुकान में तो बहुत काम होता है, तो वो जो भी काम बताता था जिन को वो एक सेकंड में पूरा कर लेता था और थकता नहीं था। तो बाबा ने इस प्रकार से मिसाल देते हुए बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बोला बच्चे आप अथक हो। जिन जैसे जिन का मिसाल दिया कि वो थकता नहीं था, तो बाबा ने कहा तुम अथक हो। तो एक अथक का भी वरदान बाबा ने दे दिया। ना क्या होता है वो भी बाबा ने बताया कि ये बच्चा ना ना नहीं करेगा सेवा में। कई बच्चे बहाना बना देते हैं लेकिन ये ना नहीं करेगा। ये भी बाबा का, भगवान का दिया हुआ वरदान हमको बचपन से मिल गया और इन्हीं वरदानों में हम पलते रहे। पलते पलते आज 57 साल पूरे हो गए यज्ञ में समर्पित हुए, ज्ञान में तो 61 ईयर हो गया पूरा। तो देखो ऐसे बाबा ने सहज ही सब कुछ कर दिया। तो मैं बाबा के कमरे की सेवा करता था, बाबा के लिए दूध गर्म करता था, नहाने के लिए पानी ला के देता था। इस प्रकार की सेवाएं जो है, हम बाबा के रूम की छोटी मोटी सेवाएं, बाबा के रूम की सफाई करते थे। तो एक बार की बात है कि मैं बाबा के कमरे में सुबह 5 बजे दूध लेके गया, कमरे में रख दिया। तो वैसे तो लच्छू दादी दूध लेके जाती थी बाबा के कमरे में, लेकिन वो थोड़ा बिजी थी, तो मुझे बोला कि आप रख के आ जाओ। तो मैं रखने के लिए गया तो मैंने क्या देखा कि बाबा का कमरा एकदम शांत, सूक्ष्म मोतन जैसा लाइट, सफेद सफेद लाइट, फरिश्ते जैसा बाबा बैठा हुआ है, तपस्या में बाबा बैठे हुए थे। और मैं तो जो दूध लेके गया तो वो दूध हाथ में है मेरे और मैं बाबा को देख रहा हूँ और उस लाइट का अनुभव कर रहा हूँ। सचमुच इन आंखों से वो ऐसी लाइट दिख रही थी बाबा के कमरे में कि ऐसे लग रहा था कि ये सूक्ष्म मतन है। बिल्कुल एकदम व्हाइट व्हाइट लाइट, बाबा व्हाइट लाइट में, लाइट के कार में बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा के तपस्या से पूरा कमरा जो है एक फरिश्ते स्वरूप का, अव्यक्त रूप का अनुभव हो रहा था बिल्कुल। तो उस समय तो ये अव्यक्त रूप, अव्य फरिश्ता रूप बहुत कम लोग बोलते थे, लेकिन ये अनुभव होता था इस प्रकार से। फिर जैसे कि बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्चे
कुछ चाहिए? ऐसे बाबा ने बात करना चाहा, तो मैंने कहा बाबा मैं तो दूध ले आया था, दूध मैंने रख दिया, लेकिन वो दूध रखने से पहले ही इतना मैं खो गया कि बस मैं और बाबा ही देखता रहा। तो देखो बाबा की तपस्या से ऐसा अनुभव मैंने देखा। और बाबा भी कहते हैं कि बच्चे आप तपस्या में बैठो, फरिश्ते स्वरूप में बैठो और अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा करो। जहां भी जो भी आत्माएं कहीं भी किसी भी परिस्थिति में होंगी, आप पहुंच करके और फरिश्ते रूप में अंतवाहक शरीर के द्वारा सूक्ष्म रूप से पहुंच करके और वहां उनकी सेवा कर सकते हो, उनकी दृष्टि दे सकते हो। एक बार की बात मुझे याद आती है कि बाबा दिल्ली भी जाते थे और बॉम्बे भी जाते थे। एक बार कानपुर भी गए थे बाबा। तो कानपुर में भी हमारा बाबा, हमारे पूरे परिवार से ही बाबा का मिलना हुआ। और जब मैं मधुबन में समर्पित हो गया था, तो बाबा के साथ एक बार बॉम्बे और एक बार दिल्ली भी गया था, बाबा मुझे लेके गए थे। तो बाबा जब दिल्ली जा रहे थे तो बाबा ट्रेन में ही जाते थे और उनका स्टाफ होता था 5-6 भाई बहनों का। तो एक कंपार्टमेंट बुक कर लेते थे, उसमें सिर्फ बाबा और उनका स्टाफ होता था। तो बाबा रात्रि को 2 बजे उठ गए और उठ करके ट्रेन में योग में बैठ गए। तो हमारे जो बड़े भाई थे, बड़े भाऊ, वो भी बाबा के साथ ही थे। तो उनकी नींद खुली तो उन्होंने कहा बाबा हम सब तो रेस्ट में हैं, आप भी रेस्ट कीजिए। ऐसा कोई जरूरी, कौन से जरूरी कार्य आप पहुंचा है जो आप उठ के बैठ गए हैं? तो बाबा ने कहा मैं शिव बाबा को याद कर रहा हूं। तो बड़े भाई ने बाबा को कहा कि बाबा आप दिल्ली पहुंचेंगे 7 बजे, सेंट पूरे दिल्ली के सेंटर्स के भाई बहने वहां आए हुए होंगे और आप मुरली क्लास कराएंगे, उनसे मिलेंगे, और आपका बुजुर्ग तन है तो आप थोड़ा रेस्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया बाबा को। तो बाबा ने कहा बच्चे यही तो मेरा टाइम है बाबा को याद करने का, क्योंकि मेरा तो जो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पावर है, जो ऑल माइटी अथॉरिटी है, उसके साथ मेरा यही तो टाइम अपॉइंटमेंट है। तो उस भाई ने, वो भाई बाबा से जरा ज्यादा ही क्लोज था, तो बोला बाबा आप तो कहते हो कि दिन में भी याद कर सकते हैं शिव बाबा को, चलते फिरते याद कर सकते हैं, तो आप रेस्ट कर लीजिए, आप दिन में याद कर लीजिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तो ये तन शिव बाबा को लोन पर दे चुका हूं, तो पूरा दिन शिव बाबा इस रथ के द्वारा सेवा करते हैं। कभी बच्चों को पत्र लिखते हैं, कभी बच्चों से मिलते हैं और कई डायरेक्शन भी देते हैं। तो दिन में तो शिव बाबा इस रथ के अंदर होते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के रथ में शिव बाबा होते हैं और कार्य करते हैं। रात्रि को शिव बाबा परम धाम चले जाते हैं, तो ये रथ रात को खाली हो जाता है, इसलिए मुझे रात्रि को ही तपस्या करने का समय मिलता है। तो बाबा ने एक मिसाल दिया कि बच्चे आपका मकान है और आपने अपना मकान रेंट पर दे दिया है, मान लो किराए पर है, तो जब तक उसमें किराएदार बैठा है तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। किराए भले मकान आपका है लेकिन किराएदार बैठा है तो आप उसको कैसे यूज करोगे? जब किराएदार चला जाता है, मकान खाली हो जाता है, फिर वो यूज कर सकता है, लेकिन अगर किराए पर दे दिया है तो जब तक किराएदार बैठा है वो यूज करेगा। तो पूरा दिन शिव बाबा इस रथ को यूज करते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं रात्रि को ही जो है शिव बाबा को याद करता हूँ। और दूसरा मिसाल बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि शिव बाबा मुरली में बच्चों को कहते हैं कि फॉलो ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो बोला अगर बाबा ने कहा कि अगर मैं तपस्या नहीं करूंगा तो बच्चे किसको फॉलो करेंगे? साकार में तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा को ही फॉलो करते हैं ना। तो सचमुच मम्मा
महातेश्वरी सरस्वती जी और ब्रह्मा बाबा दोनों ही अमृत वेले 2 बजे के बाद जो है विशेष तपस्या में बैठते थे अपने। उस समय कभी हिस्ट्री हाल तो नहीं बना था, अपना जो पुराना मकान है पांडव भवन, तो उस पांडव भवन में ही बाबा बैठ करके तपस्या करते थे। कई बारी बाबा के कमरे में गद्दी होती थी, उस कमरे में गद्दी पर बैठ के तपस्या करते थे। तो जब हिस्ट्री हाल बन गया तो फिर तो बाबा हिस्ट्री हाल में आकर के योग कराने लग गए और हम सभी 3:30-4 बजे उठ करके योग करते थे। तो एक बार बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्चे अमृत वेले रोज उठते हो? तो मैंने कहा बाबा मैं उठता तो हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है, नींद आ जाती है। तो बाबा ने कहा अमृत वेले उठ करके बैठोगे तो शक्ति का अनुभव करोगे, आत्मा शक्तिशाली बन रही है। तो सचमुच मैंने वो अनुभव 2 दिन के अंदर कर लिया। कैसे किया कि मेरे रूम में जो भाई था, वो आर्मी का रिटायर भाई था, वो उठ जाता था 3 बजे। तो वो मुझे उठा तो देता था, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं आपके साथ साथ चलूंगा, आप मुझे अपने साथ साथ क्लास में लेके जाया करो। तो उसी के साथ साथ मैं फ्रेश होता था, उसी के साथ साथ 2 दिन मैं क्लास में उसके साथ गया। तीसरे दिन मैंने क्या अनुभव किया कि वो जो 3 बजे का अलार्म लगाता था, उसके अलार्म से ही मेरी नींद खुल जाती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि अलार्म से 5 मिनट पहले नींद खुल जाती थी। तो देखो बाबा की इतनी मदद मिली, क्योंकि मैं बाबा ने कहा कि बच्चे अगर तुम हिम्मत करके उठोगे तो 1000 गुना बाबा की मदद मिलेगी। तो समझो 1000 गुना क्या, मैंने तो ये कहूंगा कि मैंने तो 1,00,000 गुना बाबा की मदद का अनुभव किया। तो जो मैं आपको सुना रहा था कि बाबा अमृत वेले तपस्या कर रहे थे दिल्ली में जाते समय ट्रेन में, तो कुछ ही दिन पहले एक बांधेली बहन का पत्र आया था बाबा के पास। और उस पत्र में बाबा ने पढ़ा, बांधेली बहन ने लिखा था कि बाबा मुझे तो मेरे पति बहुत मारते हैं, और आज इतना मारा कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है। उसका कारण क्या था कि वो ज्ञान में अकेली चलती थी और पूरे परिवार से कोई ज्ञान में नहीं चलता था। तो वो किसी युक्ति से पति के ऑब्सेंट में मुरली मंगा लेती थी सेंटर से किसी के द्वारा, और वो बाथरूम में मुरली पढ़ती थी, क्योंकि ओपन में पढ़ेगी तो सब देख लेंगे। तो जब वो नहाने जाती थी तब वो मुरली पढ़ती थी। लेकिन एक दिन किसी तरह से पता लग गया तो इसलिए पति ने उसको मारा, क्योंकि वो तो एंटी था। तो जब बाबा ने यह पत्र पढ़ा तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे देखो कितना सितम सहन करते हैं। तो बाबा के नैन गीले हो गए। तो बाबा ने क्या किया, 2 बजे उठ करके उस आत्मा को योग की शक्ति दी, योग का करंट भेजा, साकाश दिया। इतना पावरफुल साकाश दिया उस बांधेली बहन को। तो बांधेली बहन तो उस समय सो रही थी, लेकिन उसने क्या देखा कि बाबा मेरे पास आए हुए हैं और मेरे माथे पर हाथ फेर रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, तुम बंधन मुक्त हो जाओगी, तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे। और उसने कहा कि बाबा ये पति का तो बहुत बंधन है। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम याद में रहो, ये तो एक दिन भाग जाएगा। तो सचमुच वो उसका पति जो है वो तो सन्यासी बन गया कुछ दिन के बाद, और घर छोड़ के अपने आप भाग गया और वो माता बंधन मुक्त हो गई। देखो तो बाबा, देखो अंतवाहक शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा यानी फरिश्ते रूप में उस आत्मा के पास पहुंच करके और उसके माथे पर हाथ फेरा, और जब उसकी नींद खुली तो उसने महसूस किया कि बाबा का हाथ स्पर्श होते ही जो मुझे दुख था, मन का दुख, तन का दुख, वो सब दूर हो गया। और वो तो इतनी खुशी में आ गई कि रात्रि को ही बाबा को पत्र लिख दिया कि बाबा आप ऐसे ऐसे हमको मिले थे, आप हमारे पास ऐसे सपने में आए थे। तो देखो बाबा किस प्रकार से मदद करते हैं। एक बार की बात है, हमारे यज्ञ भाई जो विश्व किशोर भाई, जो बाबा के भतीजे भी थे और यज्ञ के मैनेजर थे,
जैसे ब्रह्मा बाबा अपना तन मन धन हीरे जवाहरात का व्यापार सब कुछ समर्पित कर दिया यज्ञ में, इसी तरह से उन्होंने भी, भाई विश्व किशोर जी ने भी समर्पित किया था बाबा की तरह। और वो एक बार बीमार हो गए, उनका ऑपरेशन था बॉम्बे में, तो उनको ऑपरेशन के बाद इतनी तकलीफ थी कि उनको नींद नहीं आ रही थी। तो बॉम्बे में शील बहन ने फोन किया बॉम्बे से, माउंट आबू में, मधुबन में, तो बाबा को मालूम पड़ा कि उस बच्चे को नींद नहीं आ रही है, बहुत तकलीफ है। और बाबा ने कहा ये बच्चा तो मेरा राइट हैंड बच्चा है। तो बाबा ने उस रात्रि को उस विश्व किशोर भाई की आत्मा को इतना साकास दिया योग की शक्ति का, और बाबा बैठ गए तपस्या में अपने कमरे में गद्दी पर, और उस आत्मा को इतना पावरफुल साकास भेजा। तो कुछ समय के बाद फिर सील बहन का फोन आया कि बाबा इनको नींद आ गई है और ये आराम महसूस कर रहे हैं। तो देखो बाबा, स्थूल रूप में भी जो तकलीफ होती थी उसको भी बाबा योग की शक्ति से आत्माओं के दुख को दूर करते थे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आप बच्चे भी, अब ये दुख दर्द बढ़ने वाला है, अभी तो केवल एक करोना का ही संकट आया है। बाबा ने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि आगे चल करके बहुत भयंकर, बहुत नाजुक समय आएगा। ऐसे समय पर सब दुखी अशांत आत्माएं आएंगी, वो ज्ञान नहीं सुनेंगी, कोर्स नहीं करेंगी, कोर्स कराने का भी समय नहीं होगा, बस वो तो एक सेकंड के लिए आपके दृष्टि की प्यासी होंगी, बस वो तो एक सुख शांति की अंचली लेने के लिए आएंगी। तो आप आत्माएं, बाबा ने कहा कि इतना स्टॉक जमा कर लो कि जैसे स्थूल में लंगर लगाते हैं और लोग आके खाते हैं, तो ऐसे ही आपके सुख शांति के भंडार का, वरदानों का एक लंगर लग जाएगा, जो कोई भी आत्मा आए वो आपकी दृष्टि से, स्नेह से उसको जो चाहिए वो मिल जाए। इस प्रकार से बाबा ने बतलाया हुआ है, और अब ऐसा समय शुरू हो चुका है और आगे चल के तो ऐसा समय बहुत आएगा। एक बार की बात है, हाँ, ये जो हम आपको दिल्ली की बात सुना रहे थे कि तब बाबा, देखो वो समय फरवरी का महीना था, जनवरी फरवरी का, ठंड होती है दिल्ली में बहुत ज्यादा। तो बाबा जब दिल्ली पहुंचे तो वहां भाई बहने आए हुए थे, तो बाबा ने पहुंचते ही पूछा कि बच्चों ने चाय लिया? तो बाबा ने फटाफट चाय बनवाया और अपने हाथ से एक एक बच्चे को चाय दिया। बाबा ने एक वहां पर तखत था, तखत के ऊपर बाबा चढ़ गए और सभी बच्चे अपना गिलास वगैरह जो भी कप कुल्हड़ जो था वो लेकर के आए, और बाबा केतली में अपने हाथ से जो है वो एक एक बच्चे को चाय दिया, सबने चाय पिया। तो देखो पहुंचते ही बाबा ने, इतना बाबा ने बच्चों का ध्यान रखते थे। फिर उसके बाद बाबा मुरली क्लास चलाया और मुरली क्लास में सभी बच्चे बैठे। तो देखो इतना बाबा ज्ञान रत्नों का भी और स्थूल में भी हर एक बच्चे का बहुत ख्याल रखते थे। बाबा ने जगदीश भाई जी को कहा कि देखो यहाँ पर तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े से मकान है, ऑफिस है, तो ज्ञान विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें ज्ञान की प्रदर्शनी लगाई जाए और बड़े बड़े वीआईपी वहां आते हैं वो भी देखेंगे, सेवा होगी। तो उस समय जब मालूम किया उन्होंने तो एक एक कमरे का रेट बहुत ज्यादा था। तो देखो बाबा ने उन जगदीश भाई को टच किया, उन्होंने ऑफिसर से बात किया, उन्होंने कहा कि आपका ये जो गैलरी है, इस गैलरी में हम एग्जीबिशन लगा देते हैं, हमें रूम की जरूरत नहीं रहेगी, और गैलरी बहुत चौड़ी थी तो इसलिए गैलरी में ही लगा दिया और सहज ही सस्ते में ही सब काम हो गया। तो देखो बाबा, जिस बच्चे को निमित्त बनाते हैं जिस कार्य के लिए, तो उसको टच भी करते हैं और हिम्मत करने पर उनको मदद भी मिलती है बाबा की।
देखो इस तरह से बाबा सेवा का जो है कुछ ना कुछ तरीका बच्चों से करवाते थे, और मुझे भी बाबा ने भेजा विज्ञान भवन में कि बच्चे तुम भी जाओ प्रदर्शनी समझाओ। तो मैं भी वो पहली बार प्रदर्शनी समझाना सीखा था, और जब मैं मधुबन में आया तो बाबा तो 2 दिन पहले आ गए थे, मैं 2 दिन बाद में आया मधुबन। बाबा ने कहा बच्चे तुमने दिल्ली नहीं घूमा है, तो तुम दिल्ली घूम करके थोड़ा देख करके फिर आ जाना। तो मैं 2 दिन बाद आया, तो बाबा ने रात्रि के क्लास में मुझसे पूछा कि बच्चे वहाँ क्या क्या चित्र था। तो आधा घंटा मैं खड़े होकर के बाबा के सामने उन चित्रों को एक्सप्लेन किया। कई मॉडल्स बने हुए थे, कई चित्र बने हुए थे। तो फिर ये सब बाबा सुनते रहे, और सुनने के बाद फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना जितना तुम बाबा की याद में समझाओगे उतना उतना सुनने वाली आत्माओं को योग का तीर लगेगा, योग की मतलब उनको करंट पहुंचेगा, यानी असर होगा योग का, ज्ञान योग का असर जल्दी होगा। तो इस प्रकार से बाबा ने ये भी एक तरकीब बतलाया। और आपको बताएं कि एक बार एक टीचर बहन बाबा के पास आई छोटी सी पार्टी लेकर के। उन दिनों में छोटी पार्टी आती थी, तो उसमें दो भाई तीन दो तीन बहनें थी। तो बाबा से टाइम लिया टीचर बहन ने मिलाने के लिए बाबा को, और बाबा को बताया कि बाबा उसमें दो भाई हैं पार्टी में, तो एक भाई जो है बहुत अच्छा है, कहना मानता है, सेवा करता है, लेकिन जो दूसरा भाई है तो वो दूसरा भाई कहना नहीं मानता है, आप उसको थोड़ा समझा देना। इस प्रकार से वो बहन बता करके और पार्टी ले आई। तो बाबा तो नॉर्मल रीति से जैसे सबको मिलते हैं ऐसे मिले, हाल चाल पूछा। बाबा ने कहा कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? इस प्रकार से हाल चाल पूछा, कुछ ज्ञान योग की बातें किया, टोली दिया सभी को। तो टीचर बहन ने बाबा को इशारा किया कि बाबा ये भाई है, ताकि बाबा उसको कुछ समझाए। लेकिन उस भाई की बाबा ने बहुत महिमा किया, जो कहना नहीं मानता था बाबा ने बोला ये तो मेरा सिकलद्धा बच्चा है, सर्विसेबल बच्चा है। इस प्रकार से बाबा ने उसकी बहुत महिमा किया। और जो भाई सेवा बहुत करता था उसके लिए कोई खास कुछ नहीं कहा। तो टीचर बहन तो मन में यही समझ रही थी कि शायद बाबा मेरी बात को नहीं समझ पाए हैं, महिमा तो दूसरे की करनी चाहिए थी, बाबा ने उस दूसरे की कर दी, तीसरे की कर दी। तो जब सब मिलके चले गए तो फिर तो टीचर बहन बाबा के पास बैठी थी, और बाबा को कहा कि बाबा आप हमारी बात को शायद नहीं समझ पाए होंगे, आपने दूसरे बच्चे की महिमा कर दिया। तो बाबा तो मुस्करा रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची आप लोग बाहर जामी हो, जो बाहर देखते हो उसी का ही वर्णन करते हो, लेकिन बाबा शिव बाबा तो अंतर जामी भी है, और बाबा तो वर्तमान को नहीं देखते हैं, बाबा तो हर एक को आत्मा देखते हैं और आत्माओं के भविष्य को देखते हैं। तो देखो बाबा की ये विशेषता है कि बाबा आत्माओं के भविष्य को देखते हैं और आत्मा की विशेषताओं को देखते हैं। तो बाबा ने बतलाया उस बहन टीचर बहन को कि ये बच्चा आगे चल के बहुत सर्विसेबल बच्चा बन जाएगा और बहुत सेवा करेगा। और बाबा ने एक सावधानी भी दिया, बोला बच्चे आगे चल करके ऐसे बहुत से बच्चे आएंगे जो कि आपको लगेगा कि यह बहुत सेवा करने वाला है, लेकिन उनके अंदर एक बात होगी, बाहर दूसरी बात होगी। अंदर तो ये होगा कि वो कुछ चेकिंग करने के लिए आएंगे, नेगेटिविटी से आएंगे, लेकिन बाहर का रूप उनका ये होगा कि वो आपसे घुल मिल करके रहेंगे। तो उसके लिए भी परखने की शक्ति चाहिए। तो बाबा ने बोला कि ये परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति ये बहुत बच्चों में चाहिए,
तभी दूसरी आत्माओं को परख सकेंगे, उनका निर्णय कर सकेंगे कि ये आत्मा कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा है। और जितनी जितनी आपकी पावरफुल स्थिति होती जाएगी, तो नेगेटिविटी वाली जो आत्माएं होंगी वो अपने आप ही आपकी पावरफुल स्थिति देख करके और वो भूल जाएंगी। तो मुझे याद है कि कई बच्चे जब बाबा को मिलने के लिए आते थे तो उनके मन में बहुत प्रश्न होता था, इतना प्रश्न होता था कि वो कहते थे कि मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा। लेकिन बाबा की इतनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति होती थी कि बाबा के पास आने पर वो प्रश्न पूछना ही भूल जाते थे। और अगर किसी को कुछ याद भी होता था प्रश्न पूछना, तो उनको वो प्रश्न पूछना अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता था कि इस प्रश्न से ज्यादा हमको समाधान तो बाबा की बात सुनने से मिल रही है, बाबा को देखने से मिल रही है। इसलिए बाबा कहते थे कि ऐसे अपनी स्थिति को बनाओ कि कोई अंत में कोई कुछ करने के लिए भी आए तो वो भी आपको देख करके भाग जाएगा, डर जाएगा, या आपका जो लाइट स्वरूप का साक्षात्कार होगा तो वो लाइट स्वरूप के साक्षात्कार से आपकी सेफ्टी हो जाएगी। ये अब समय यही चल रहा है और हमारे पुरुषार्थ का जो विशेष पुरुषार्थ का समय है वो इसी चीजों का है कि अब हमें लाइट स्वरूप बन करके, डबल लाइट बन करके और लाइट फैलानी है, लाइट स्वरूप बन करके रहना है। तो एक बार की बात है कि मधुबन में, तो उस समय जब मैं आया था शुरू शुरू में, तो वही 3-4 भाई थे। तो जो भी आज हम जिनको दादा दादियां कहते हैं, बड़े बड़े महारथी भाई बहने कहते हैं, उन्होंने हर प्रकार का स्थूल सेवा किया हुआ है। तो हमारे दादा विश्वतन जी उन दिनों में दिन में रोटी पकाते थे, जो 12 बजे का भोजन होता था, तो भोजन तो भोली दादी जी बनाती थी, हाँ, चावल हुआ, सब्जी हुआ, ये सब। लेकिन रोटी जो पकाते थे वो दादा विश्वतन जी पकाते थे। वो एक बार वो किसी कार्य से मार्केट में अर्जेंट उनको जाना पड़ा, लेकिन वो जरूरी काम से मतलब 12 बजे तक वापस नहीं आ पाए थे, रोटी पकाने के टाइम तक। तो बाबा किचन में खड़े थे और मुझे तो मालूम नहीं था, तो मैं बाबा के जैसे रूम की सेवा पूरी करके किसी कार्य से किचन में आया था। तो जब बाबा ने मुझे देखा तो बाबा ने कहा, बच्चू रोटी पकानी आती है? तो मैंने कहा, नहीं आती बाबा। तो बाबा ने कहा, सीखोगे? मैंने कहा, जी हाँ बाबा। बाबा खुद आधा घंटा खड़े होकर के मुझे रोटी पकाना सिखाया। उस समय लकड़ी का चूल्हा जलता था, गैस सिस्टम तो नहीं थी, और चूल्हा जो है करीब 3 फुट ऊंचा होता था, उसके ऊपर बड़ा सा तवा रखा जाता था। तो बाबा ने 4 रोटी डाल करके मुझे सिखाया और मैं आधा घंटे तक जैसे बाबा बताते थे वैसे मैं रोटी को पलटता था, सीखता रहा। एक माता थी वो रोटी बेलती थी। लास्ट में जब 3-4 रोटी रह गई तो बाबा चले गए और वो माता फ्री हो गई, उसने फिर थोड़ा मदद कर दिया। लेकिन वो मेरा पहला दिन था जो मैं किचन में चूल्हे के आगे खड़ा हुआ, तो बाबा ने तो सिखा के बाबा तो चले गए। अब हमारे आंख में इतना पानी भर गया था, इतना पानी भर गया, क्योंकि लकड़ी के मतलब चूल्हा था, लकड़ियां जलती थी, तो उसका जो धुआं था ना वो आंख में इतना चला गया कि आंख से पानी बहने लग गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो रोटी का काम पूरा हो गया था, तो मैं बाहर किचन के बाहर नल था, मैं मुंह धुलाई कर रहा था और सामने बाबा बैठे हुए थे। मैं मुझे तो मालूम नहीं था कि बाबा झूला के ऊपर बैठे हुए हैं, झूला झूल रहे हैं, और बाबा भी अकेले ही बैठे हुए थे झूले पर। तो जब मैं आंख धुलाई कर रहा था तो बाबा ने मुझे आवाज दिया और मैं बाबा के समीप गया। बाबा ने मुझे अपने साथ झूला के ऊपर बिठा लिया। बाबा तो लंबे थे, वो पांव से झूले को पेंगते रहते थे, और मैं भी बाबा के साथ बैठा था, बाबा के हाथ में मेरा हाथ था और मैं झूला झूल रहा था।
बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाबा को सेवा में हाँ करते हैं वो बच्चे सर्विसेबल हैं। अब मैंने सोचा मन में कि मैंने तो कुछ हाँ ऐसा कुछ तो किया नहीं, सिर्फ रोटी भी बाबा ने पकाया, मैं तो सिर्फ सीखने के लिए खड़ा हुआ, मैंने तो कुछ ऐसा कोई सर्विस किया नहीं, लेकिन बाबा ने सर्विसेबल का नाम दे दिया। इतना उमंग उत्साह, बाबा ऐसे उमंग उत्साह दे करके और बच्चे को बाबा आगे बढ़ाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा पूछते मेरे से कि बच्चे अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रहे हो, तो अब मुझे तो उसमें अति इंद्रिय सुख का जो झूला है इसका भी ज्ञान नहीं था, छोटी उम्र थी, लेकिन इतना समझ गया कि मैं बाबा के साथ झूला झूल रहा हूँ। तो मैंने कहा जी बाबा मैं झूल रहा हूँ झूला। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बाबा ने मेरे से पूछा बच्चे किसके साथ झूला झूल रहे हो, मैंने कहा शिव बाबा के साथ। तो सामने घड़ी थी, मैंने उस घड़ी में देखा कि मैं 50 मिनट बाबा के साथ झूला झूला। ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि एक छोटी सी सेवा, रोटी पकाना के लिए मैंने हाँ किया, वो भी बाबा ने कहा सीखोगे, मैंने हाँ कर दिया। तो देखो बाबा का, स्वयं भगवान का कितना बड़ा प्यार मिला है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं हम कर सकते हैं कि संसार में ऐसा इतना बड़ा कोई प्यार स्नेह कोई दे सकता है। जो स्वयं भगवान ने इतना बड़ा प्यार दिया, स्नेह दिया, झूले पर झुलाया, और स्वयं भगवान ने, बाप दादा ने रोटी पकाना तक सिखलाया। फिर तो बाबा क्या करते थे, रात्रि को क्लास के बाद किचन में आ जाते थे और जो भी भाई बहने, जो पार्टियां आई हुई होती थी उनको बाबा अपने हाथ से दूध देते थे, सभी को देते थे, जो भी घर में होते थे या पार्टी में सभी बाबा के हाथ से दूध लेते थे। तो उस समय दूध माउंट आबू के गांव से आ जाता था, जहाँ पीस पार्क है उधर गांव है, वहां से दूध आता था मधुबन में। तो बाबा ने एक बार चेक कराया तो बाबा को दूध थोड़ा सा पतला लगा, तो बाबा ने मालूम किया तो पता लगा कि 5 लीटर दूध में आधा लीटर पानी है। अब वो आधा लीटर तो कोई ज्यादा नहीं होता था, आज के हिसाब से तो एक प्रकार से वो बहुत शुद्ध दूध होता था, आजकल तो बहुत मिलावट होती है, केमिकल के दूध भी मिलने लग गए आजकल तो। तो बाबा ने कहा कि बाबा के पास गाय होनी चाहिए और बच्चों को प्योर दूध मिलना चाहिए। तो बाबा ने 6 गाय मंगवाई, पहले उसके लिए ग्वाला रख दिया और वो ग्वाला रोज दूध निकालता था, अपने रात को घर चला जाता था, सुबह आता था और पूरा दिन वो गायों की सेवा करता था गौशाला में। अब मुझे तो कुछ आता नहीं था, लेकिन बाबा ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि बच्चे तुम गौशाला में 2-3 चक्कर लगा लिया करो, ताकि वो ग्वाला समझे कि मुझे कोई देख रहा है, तो समय अपना बेस्ट नहीं करेगा, वो काम काज में ज्यादा ध्यान देगा। तो मैं 2-3 चक्कर लगा लेता था। ये उन दिनों की बात है जब लेबर रेट 1.5 रुपया, 1 रुपये 50 पैसा रोज का होता था। तो उस ग्वाले को 2 रुपया मिलता था रोज का, क्योंकि थोड़ा हार्ड वर्क काम करता था तो उसको 2 रुपया देते थे, तो महीने का 60 रुपया मिलता था। तो उसको किसी ने कह दिया कि देखो बाबा के पास हिस्ट्री हॉल बन रहा है, हवाई महल बन रहा है, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, तो बाबा के पास बहुत पैसा आता होगा, तुम बाबा से 100 रुपए की डिमांड करोगे तो बाबा तुमको 100 रुपया देंगे। तो उसकी बुद्धि में ये जैसे कि एक ये उल्टा मतलब बात बैठ गई थी। तो उसने मुझे कहा कि मुझे 100 रुपया चाहिए, अगर इस महीने 100 रुपया नहीं मिलेगा तो मैं नहीं आऊंगा। और उसने, उसको मालूम था कि यहाँ पांडव भवन मधुवन में कोई ज्यादा भाई तो है नहीं जो गौशाला संभाल सके, तो अपने आप ही हमको 100 रुपया देंगे ये। अब बड़े भाई विश्वकिशोर भाऊ ने 5 रुपया बढ़ा दिया। अब ये बात आज से 50 साल पहले की है, तो उस समय 5 रुपया भी बहुत होता था, उसकी वैल्यू होती थी। तो उसको 65 दे दिया, बोला हम धीरे धीरे तुम्हारा बढ़ाते जाएंगे, एवरी मंथ कुछ ना कुछ बढ़ाते जाएंगे। लेकिन वो तो स्टार्टिंग से चाहता था कि 100 रुपीज मिल जाए।
वो मुझे बोल दिया कि मैं तो नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे 100 तो नहीं मिला। तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा वो तो नहीं आएगा ग्वाला। तो बाबा ने मुझे ऐसी पावरफुल दृष्टि दी, ऐसे लग रहा था मुझे कि जैसे कि बाबा मेरे में कुछ शक्ति भर रहे हैं दृष्टि के द्वारा। और फिर बाबा ने मुझसे पूछा कि बच्चे गौशाला की सेवा, गायों की सेवा करोगे? मैंने कहा जी बाबा। तो आपको मैं बताऊं कि बाबा ने मुझसे पूछा कि बच्चे 8 घंटा खुशी खुशी से सेवा करोगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो क्यों नहीं का मतलब एक प्रकार से ऐस होता है, हाँ। तो बाबा ने मुझे सिखलाने के लिए बाबा ने कहा बच्चे तुमने बाबा को क्या कहा? मैंने कहा क्यों नहीं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने बाबा को क्यों भी कह दिया और नहीं भी कह दिया, क्यों नहीं? बाबा को तो कहना चाहिए जी हाँ बाबा जरूर करेंगे। तो देखो ये भी बाबा ने मुझे एक ये भी सिखलाया। तो उस दिन से हम बाबा को यही कहने लगे जी हाँ बाबा जरूर करेंगे। तो ये भी एक प्रकार से बाबा ने मतलब बड़े बड़ों को कैसे जवाब देना चाहिए वो जैसे कि ये बाबा ने भी हमें सिखलाया। तो हम गाय का दूध निकालने लग गए। तो एक गाय जो है हर एक गाय 6 लीटर दूध देती थी। तो एक टाइम का 36 लीटर दूध मिल जाता था। फिर बाबा ने 2 गाय और मंगवाई, 8 गाय हो गई। तो 48 लीटर दूध मिलने लग गया, 48 45 एक टाइम का, दोनों टाइम का 90 लीटर लगभग मिल जाता था दूध। तो अब मैंने तो कभी ऐसा दूध निकाला नहीं था, लेकिन पहले दिन जब हम दूध निकालने के लिए बैठे तो 95 लीटर की जगह केवल 5 लीटर ही 8 गाय का दूध निकला। और बाबा देख करके बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा बच्चा तो बाल्टी भर के दूध लाया, बाल्टी भर इसलिए भरी हुई दिख गई क्योंकि वो बाल्टी भी 5 लीटर की थी। फिर लेकिन जो बाबा ने मुझे शक्ति दी थी वो धीरे धीरे वो एक एक वीक में हमको इतनी प्रैक्टिस हो गई, बाबा की मदद मिली कि हम जो है इतना दूध निकालने लग गए। और एक बार की बात है कि वो उन दिनों में पहाड़ी एरिया थी, तो पहाड़ के ऊपर पत्थर के ऊपर स्टोन डस्ट पड़ा हुआ था। तो इसलिए मैं दूध लेके आ रहा था तो वो बारीक होता है स्टोन डस्ट, मुझे पता नहीं था। उसके ऊपर पाँव पड़ा तो जैसे कि मैं गिर गया तो दूध भी गिर गया, पूरा का पूरा ही दूध गिर गया। तो मैं बाबा के रूम में गया, बाबा को बताया कि बाबा, तो बताने से पहले ही बाबा ने मुझे देखा। तो बाबा ने पूछा क्या हुआ बच्चे? बाबा जैसे कि रीड कर गए हमारे फेस से कि कुछ गड़बड़ होगी। तो मैंने कहा बाबा ऐसे दूध गिर गया सब। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले बच्चे ये तो कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा बड़ा हवाई जहाज गिर जाता है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार से बाबा बोल करके हल्का कर देते थे। और मैंने सोचा कि बाबा के लिए भी दूध नहीं बचा है, तो देखो उस दिन बाबा ने भी दूध नहीं लिया। तो इस तरह से बाबा हल्का कर देते थे। और एक मिसाल और हम आपको सुनाता हूँ कि और बाबा कैसे हल्का करते थे। बाबा एक दिन बगीचे में खड़े थे, तो बाबा को देख के मैं भी बगीचे में चला गया। तो बाबा ने एक लकड़ी पड़ी थी लंबी, बाबा ने मंगवाया और बाबा वो लकड़ी लेकर के बाबा के बगीचे में नारंगी का झाड़ था, जैसे छोटा संतरा होता ना ऐसे, बाबा संतरा तोड़ने लग गए और मैं टोकरी में इकट्ठा करने लग गया। बाबा के बगीचे में अंजीर का भी फल था, आड़ू का फल था, तो जो भी फल पके हुए थे बाबा तोड़ते गए और मैं इकट्ठा करता गया। और फिर मैं बाबा के रूम में उसको पहुंचा के आया। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो इस बगीचे में पानी देने की जरूरत पड़ती है, उसमें म्यूनसिपालिटी का नल नहीं था लेकिन बगीचे के पास हैंड पंप था। तो हैंड पंप से मैं
पानी निकालता था। तो बाबा ने कहा बच्चे ये हैंडपंप चलाओगे तो पानी निकलेगा और बगीचे में थोड़ा पानी दे दिया करो। तो हैंडपंप जानते होंगे आप, भारत में हैंडपंप होता है, उसको जब हम चलाते हैं तो हैंडपंप ऐसे ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तब पानी निकलता है। तो बाबा ने बतलाया कि जब हैंडपंप ऊपर जाए नीचे आए तो अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं। तो इस प्रकार से आत्मा की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बाबा जो है हर प्रकार से आत्म अभिमानी बनाने की जो है कुछ ना कुछ युक्ति बतलाया करते थे। तो मैं पानी निकालने लग गया और निकालते निकालते मुझे तो ध्यान नहीं था, 10-12 बंदर आ गए। और वो बंदर जो बहुत बड़ा पेड़ था आड़ू का था बादाम का, उसमें लग गए वो और खाने लग गए। तो जब मेरा ध्यान गया तब तक कि बंदर आ गए हैं, अब इतने बंदरों को तो मैं अकेला बहुत मुश्किल से भगा पाया। भगाने के बाद मैंने देखा कि उस वृक्ष का काफी नुकसान हो गया है, फूल भी बंदर खा गए, फल भी उसमें से काफी खा गए, नुकसान ज्यादा हो गया था। तो अब उस समय तो सब चले गए, दिन में लगभग 3 बजे का टाइम था। फिर शाम को बाबा लॉन में चक्का लगा रहे थे तो मैं बाबा को देख करके और मैं आया तो बाबा मेरे फेस को रीड कर गए और पूछे बच्चे क्या बात है। मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे बंदर आए थे और वो तो फल खा गए। तो बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चे वो कोई बाजार से खरीद के खाएंगे क्या। तो सब हंसने लग गए। तो देखो फिर बाद में मुझे किसी ने कहा कि देखो बाबा तो पशुपतिनाथ भी है, नेपाल में एक मंदिर है पशुपतिनाथ, तो बाबा तो सभी को देने वाला है दाता है, तो इसी तो उसका भी बाबा ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से तो देखो कहने का भाव कि अगर मान लो हम कहीं सर्विस कर रहे होते, नौकरी कर रहे होते और किसी मालिक का इतना बड़ा नुकसान हो जाता तो मालिक तो हमें बहुत गुस्सा करता, लेकिन बाबा ने कितना प्यार दिया। बाबा ने कहा बच्चे अगर वो यहाँ नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे, वो कोई बाजार में खरीदेंगे क्या। ऐसी बातें बाबा सुना करके और बाबा जो है हल्का कर देते थे। बाबा हर एक को निर्दोष की दृष्टि से देखते थे। बाबा कहते थे कि हर एक बच्चा जो है उसका अलग अलग पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट होने के कारण हर एक बच्चा निर्दोष है। तो यहाँ तक कि एक भाई अखबार छापता था और वो अखबार में बाबा के लिए बहुत ग्लानि की बातें लिखा करता था। तो जब वो ग्लानि की बातें बाबा को निर्मल शांता दादी जी ने बताया तो बाबा मुस्कराने लग गए। निर्मल शांता दादी जी ने बाबा को कहा कि बाबा इसने तो यहाँ तक लिख दिया कि ये तो साइकिल का छोटा सा मैकेनिक था, लेकिन आप तो हीरे जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी थे, राजाओं महाराजाओं से आपका संबंध था, तो मैं इस पर केस करना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या बाबा बाप कभी अपने बच्चों के ऊपर केस करने की छुट्टी देगा, वो भी तो मेरा ही बच्चा है ना। तो वो दादी ने कहा कि बाबा वो तो कल को और भी कुछ लिखेगा। तो बाबा ने कहा उसको लिख दो कि वो जो अखबार छापता था उस अखबार का नाम था विश्वामित्र। तो बाबा ने कहा उसको लिख दो कि आप विश्व के मित्र हो, पूरे विश्व के मित्र हो, हमारे भी मित्र हो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तो इस प्रकार से बाबा ने पत्र लिखने के लिए कहा। तो जब उसको ये पत्र मिला तो उसने इस पत्र को पढ़ा तो उसने सोचा कि ये जो पत्र है ये कोई इंसान नहीं लिख सकता है, ये तो कोई भगवान लिख सकता है या कोई देवता ही होगा, ऐसा पत्र तो इंसान कभी नहीं लिखेगा। और वो जो पत्र था वो पढ़ करके उसका मन परिवर्तन हो गया। तो देखो बाबा कैसे भी व्यक्ति को, ग्लानि करने वाले को भी बाबा ने गले लगाया, उसको शुभ भावना से गले लगाया, उसके प्रति इतनी शुभ भावना रखी और उसको अपना मित्र माना।
तो देखो वो भी बदल गया। तो ये था ब्रह्मा बाबा में परिवर्तन करने की शक्ति, कि ब्रह्मा बाबा परिवर्तन कैसे करते थे। 8 बजने वाला है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट और हम समय ले लेते हैं और 5 मिनट में हम थोड़ा और पूरा कर लेते हैं। एक बार की बात है कि जब बाबा ने मुझे गौशाला में ड्यूटी दी थी, तो एक भाई आया था गौशाला में सेवा करने के लिए 2 महीने के लिए। तो 2 महीने की बजाय उसने 2 3 4 महीना सेवा किया, फिर बाबा को कहने लगा कि बाबा मैं तो जा रहा हूँ। बाबा ने उसको श्रीमत दिया कि बच्चे तुम यहीं रहो और सेवा करो। तो उसने कहा बाबा मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा है और मैं वो कर्जा कैसे पूरा करूंगा, मेरे पास तो खेत है, खेत में थोड़ा सा खेती करके और कर्जा उतारूंगा। तो बाबा ने उसको राय दिया कि बाबा बैठा है तुम चिंता नहीं करो, अपने आप तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। इतनी बाबा ने गारंटी ले ली। लेकिन उसके मन में क्या ख्याल आया कि जैसे मैं हर साल मधुबन में आता हूँ सेवा करता हूँ, अभी चला जाता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आके फिर सेवा करूंगा। तो और दूसरी बात, उसको क्या ख्याल आया कि बाबा से क्यों हम कर्जा उतारे, हम अपना कर्जा खुद ही उतार लूंगा। लेकिन बाबा ने उसको जो श्रीमत दी थी उसमें थोड़ी सी उसने मनमत मिक्स कर दी, वो चला गया। चला गया तो कुछ दिन तो सेवा केंद्र पर वो क्लास करता रहा, फिर बाद में पता लगा कि वो क्लास में नहीं आ रहा है। तो टीचर बहन ने, जो टीचर बहन है उसको रात को सपने में, जहां वो क्लास करता था उसकी टीचर बहन को स्वप्न आया कि वो सपन में कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोग खिलाओ। जब टीचर बहन ने मालूम किया तो पता चला कि उसकी डेड बॉडी जो है वो रेलवे लाइन पर मिली है, पुलिस को, पुलिस ने ऐसा बतलाया। तो देखो श्रीमत ना मानने के कारण आज उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ गया, नहीं तो बाबा ने इतनी बड़ी गारंटी ली थी कि बच्चे तुम यहीं रहो तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा, लेकिन वो चला गया। और दूसरा एक भाई और आया, वो उसको भी बाबा ने हमारे ही गौशाला में सेवा लगा दी उसकी भी। और वो भाई सर्विस करता था, गवर्नमेंट सर्विस, तो वो सेवा किया। उसको भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुम भी सेवा में लग जाओ। तो उसने कहा कि बाबा मुझे तो छुट्टी नहीं मिलती है, हमारा ऑफिसर हमको छुट्टी नहीं देता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अपने ऑफिसर को लिख दो कि मैं शांति की खोज में पहाड़ों पर तपस्या कर रहा हूं। इतना लिख कर दिया और अपने ऑफिसर को भेज दिया। और भेज दिया, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई उसके ऊपर कोई वारंट नहीं निकला, कोई इंक्वायरी नहीं आई, और इस प्रकार से वो बाबा की सेवा में लग गया। वो अभी भी भाई है, वहाँ शांतिवन में रहते हैं, आप जानते होंगे, दादी कॉटेज के ऊपर भोपाल भाई है। भोपाल भाई पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे और उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, वो किसी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में थे तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से छुट्टी नहीं मिलती थी। तो फिर देखो बाबा की युक्ति से, और गवर्नमेंट ऑफिसर को मालूम था कि ये भाई योगी आत्मा है, और उसको जब ये पत्र मिला तो देखो बाबा के डायरेक्शन को उसने माना और आज वो सेवा में अभी भी वहाँ का शांतिवन का मुख्य भाई है, मुख्य भाई के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो देखो बाबा की आज्ञा मानने से, श्रीमत मानने से कितना बड़ा फायदा होता है। एक सन्यासी जब बाबा के पास आया तो बहुत गुस्से में था, तो उसको एक बहन ने कहा आप बैठो, तो वो कहता मैं तो बाबा से मिलना चाहता हूँ, जब तक बाबा नहीं मिलेंगे मैं नहीं बैठूंगा। तो खैर बाबा को बताया गया कि बाबा वो तो बहुत गुस्से में है। बाबा ने कहा बाबा जरूर मिलेंगे, सन्यासी भी तो बाबा का बच्चा है ना, उसको बिठाओ। तो उन दिनों में, बहुत पुरानी बात है, उन दिनों में अपने यज्ञ में कुर्सी सोफा ये सब कुछ नहीं होता था। जो हम क्लास करते थे वो दरी बिछा दी जाती थी पट में, और क्लास के बाद फिर वो दरी को फोल्ड करके रख लेते थे। तो सन्यासी को भी बोल दिया आप बैठिए, तो उसने भी देखा यहाँ तो कुछ नहीं है, वो दरी पर बैठ गया।
जब बाबा उसको मिलने के लिए आए तो बाबा ने कहा, अरे मेरे बच्चे को नीचे जमीन पर बिठा दिया है। बाबा ने अपनी गद्दी दे दी उसको बैठने के लिए, और बाबा जब ऐसे ही पट में बैठ गए विदाउट गद्दी। तो बाबा ने जब उसको गद्दी दिया तो बोला, बच्चे ये गद्दी पर बैठो। उसने कहा, बाबा ये तो आपकी गद्दी है। बोला, नहीं बच्चे ये आपकी गद्दी है, आप बैठिए। बाबा ने उसको सन्यासी को कहा कि आप तो महान आत्माएं हैं, द्वापर युग से अगर आप सन्यास धर्म नहीं अपनाते, ये सन्यास धर्म नहीं होता और आप लोग सन्यासी नहीं बनते, पवित्रता को नहीं अपनाते, तो ये भारत तो जल गया होता। आपने पवित्रता की शक्ति से भारत को थमा के रखा है। तो इस प्रकार से बाबा ने उसकी महिमा की। अब उसको ज्यादा ज्ञान तो बाबा ने कुछ नहीं सुनाया, लेकिन इस प्रकार से जो बातें बाबा ने उसको कहा उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा इस बाबा के व्यवहार कुशलता का, कि उसके सब प्रश्न भूल गए। वो तो जो प्रश्न पूछने वाला था उसने प्रश्न ही नहीं पूछा। बाबा ने बोला, बच्चे कैसे आना हुआ, कुछ पूछने आए थे पूछो। लेकिन उसने कहा, बस बाबा आपसे मिलकर के मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मेरे प्रश्न तो समाप्त हो गए हैं। बस उसने बाबा में ना जाने क्या अनुभव किया, कि ऐसी अलौकिकता अनुभव की। अब वो सन्यासी तो बाबा से यंग था, बाबा तो बुजुर्ग थे, बाबा तो बिल्कुल एकदम सीधे बैठे हुए थे और सन्यासी ऐसे थोड़ा झुक के बैठा हुआ था। वो भी महसूस कर रहा था कि देखो मैं तो थोड़ा यंग हूँ बाबा से, फिर भी मैं बिल्कुल सीधा नहीं बैठा हूँ, लेकिन बाबा तो बिल्कुल राजयोगी की तरह है, योगी की तरह बैठे हुए हैं। तो ऐसी बाबा का देख करके उसको ही खुद को ही शर्म आ गई और बाबा से प्रभावित हो गया। तो देखो बाबा इस प्रकार से सेवा किया करते थे। बाबा की कहानी तो बहुत ज्यादा है, जितना सुनाओ उतना ही थोड़ी है। तो अब जो मुझे दीदी जी ने समय दिया था वो समय तो पूरा हो चुका है, तो मैं आपकी बताए हुए समय के अनुसार अब मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। और आप बताएं अभी क्या कहना है, क्या करना है। वो बहने कहाँ है? बहुत आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया। बहुत अच्छे अनुभव सुनाए आपने। हाँ, आपका दिल से हमारा शुक्रिया। सुनाई नहीं दे रहा है भाई जी। हमारा दिल से आपको शुक्रिया हम मनाते हैं। अभी आवाज आ गई होगी। हाँ जी, थैंक यू। कभी कभी तो आपको आंखों में पानी भी आने लगा आपके अनुभव सुनकर। हम दिल से आपका शुक्रिया मनाते हैं, और बाबा का इतना ज्ञान दिया के बहुत 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 आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया। किस्मत आप बहुत लकी है भाई जी। जी वाले हैं आप। लाइट बस है। बाबा की, बहुत ब्लेस्ड। बाबा के कमाल है। फिर अगर आप फिर दोबारा कभी मौका लगे तो बताएंगे, तो फिर शेष अनुभव हम बाद में दोबारा। बाबा के तो बहुत अनुभव है, 10 साल मधुबन में रहे हैं। नहीं 10 साल दिन भी कम पड़ेगा हमको। बोलो। बहुत अच्छा लगा। वैशाली दीदी को बोलो तो दूसरी दफे वो आएंगे, बुलाएंगे। आप कौन से मधुबन में, कहाँ पर है उषा जी? उषा आप मधुबन कहाँ पर है? दिल्ली बहुत अच्छा पांडव, अभी दिल्ली पांडव उषा भवन में हूँ। दिल्ली पांडव भवन। अच्छा थैंक पहले मधुबन में थे। देखा था ना थी उषा देखा। आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपने बचपन से ही बाबा की पालना ली। सही बात है। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। आपकी कितनी उम्र थी जब आप मधुबन आए बाबा के पास? भाई जी 12 साल की उम्र में। और बाबा ने लौकिक पढ़ाई भी पढ़ाया मधुबन में, 3 साल वहां मैंने ट्यूशन भी लिया, फिर दिल्ली में अंग्रेजी हिंदी सिंधी और पढ़े, फिर दिल्ली में आए, फिर दिल्ली में आकर के फॉरेनर्स को रिसीव करने की सेवा हमको एयरपोर्ट पर मिली और उनको रेलवे स्टेशन से ऑफ करने की मिली। तो जो बाबा ने हमें पढ़ाया इंग्लिश वो हमारा यहाँ काम में आ गया। बहुत ज्यादा तो नहीं, एक जो ब्रह्मा बाबा अभी होते शायद तो वो हमारे जैसे नए स्टूडेंट्स को कौन सा पुरस्कार करवाते हैं? बाबा हर बच्चे को आत्मिक स्थिति में टिकने का अनुभव कराते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी पहले यही पुरुषार्थ किया कि मैं आत्मा हूँ, जिसको भी देखो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ। तो आत्मिक दृष्टि ही रहे, देह भान ना आए, देह की तरफ आकर्षण ना हो, ये ब्रह्मा बाबा पहला पुरुषार्थ करवाते थे। और फिर दूसरा पुरुषार्थ बाबा यही करवाते थे कि बच्चे फरिश्ता समझो अपने आप को, देह से न्यारा समझो, यही समझो मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, फरिश्ता बात कर रहा हूँ, फरिश्ता देख रहा हूँ, सामने वाली आत्मा भी फरिश्ता है। तो इस प्रकार से अलौकिक हमारा जीवन रहे, अलौकिक दृष्टि रहे, अलौकिक बोल रहे, ये ब्रह्मा बाबा जो है। और बाबा कहते थे कि हर एक का पार्ट जो है ना वो ड्रामा में फिक्स है, तो ये ना देखो कि वो कैसा पार्ट बजा रहा है, साक्षी होके देखो और हम अच्छा पार्ट बजाएं, ये आप ध्यान मतलब अपने आप को चेक करो कि हमारे पार्ट में कोई गलती ना हो। दूसरा जो बजा रहा है, हर एक का पार्ट तो हर एक का अलग अलग है, ये तो बेहद का ड्रामा है। तो बाबा कहते थे कि जो 3 घंटे का नाटक होता है उस सिनेमा में भी हर एक का पार्ट अलग अलग होता है, तो ऐसे ये बेहद का ड्रामा है, इसमें सबका पार्ट अलग हो अलग है। तो एक दूसरे की कॉपी नहीं करो, लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार बाबा को कॉपी करो, ये बाबा कहते थे। किसी की भी सेवा के लिए तुमने ना नहीं बोला, जी हाँ ही बोला तो किस्मत तुम्हारा अच्छा है। जी जी। वैशाली दीदी भी वहां से आई थी संत पास की, तो उसने भी बोला कि जी हाँ मैं जाऊंगी दीदी जी। और भाई जी, यज्ञ में ऐसा कोई हुआ था कि कोई बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है बाबा का श्रीमत को, तो बाबा क्या करते थे? बाबा तो कहते थे कि भाई, बाबा तो कुछ नहीं कहते थे, बहुत प्यार से, बहुत जैसे नहीं प्यार का सागर होता है, उसने फॉलो नहीं किया, लेकिन उसने अगर मानो किसी ने फॉलो नहीं किया और वो चला गया यज्ञ से, तो कहता था कि कमी हमारे में है, बाबा ने तो भाई हमें बहुत समझाया। तो बाबा कहते थे बच्चे, तकदीर और तदबीर दो चीज होती है, तो बाप तो तकदीर बनाते हैं, अगर तदबीर में नहीं है तो तकदीर क्या काम करेगी, मतलब किस्मत में नहीं है। बाप तो हर बच्चे को ऊंचा उठाते हैं और सभी नंबर वार ऊंचा उठते हैं, तो बाबा ऐसा कुछ नहीं कहते थे। और जो बाबा की आज्ञा नहीं मानते हैं, श्रीमत नहीं मानते हैं, तो वो अपने आप ही यज्ञ से चले जाते थे, ये हमने देखा। क्योंकि जो बच्चा बाप का नहीं मानेगा तो बाप के पास कैसे रहेगा, कितना दिन रहेगा, अपने आप उसको शर्म आएगी और अपने आप वो चला जाएगा। तो ऐसा बाबा कभी किसी को यज्ञ से निकालते नहीं थे, वो अपने आप ही चले जाते थे। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ठीक है, पूरा करें 1 सेकंड बाबा को याद करके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति। ओम शांति। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सभी को हमारी याद, जो भी बहन है आपके यहाँ, अपने हेमा बहन है, वैशाली बहन है, चंद्रू बहन है, जो भी सभी भाई बहने हैं सबको याद, जो भी सुन रहे हैं सबको।
भाई जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नए वर्ष में बाबा की इतनी सारी बातें हमने आपसे सुनी और बहुत प्रेरणा मिली आपसे की बातों से कि अभी हमें क्या करना है। ओम शांति। 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 મને એવું લાગે છે કારણ કે આજથી અમારે લગભગ 10 વર્ષ પહેલા ભી આવી છે ચિકણે તમે મને જોયા છે પણ પહેલા આપને મુજે પહેલે દેખા થા નહીં 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 પહેલી બાર દેખ્યો